नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम से, मैं और मेरी टीम आज हैं जलगांव में, और जो मैं कॉलेज रिव्यू करने जा रहा हूं वो है डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज जलगांव। बेसिकली कॉलेज की ये अप्रोच है, ये हाईवे है, ये जलगांव से नागपुर की तरफ जाती है और ये प्रॉपर हाईवे पे है। अगर आसपास में देखें तो कोई खास कोई शॉप वगैरह ऐसी नहीं है, प्रॉपर ये हाईवे है। और जलगांव सिटी से ये अराउंड 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी हम कॉलेज के सामने आ गए, आप लेफ्ट में कॉलेज देख सकते हैं, ये जस्ट फ्लाईओवर के साथ है, ठीक है। और हम कॉलेज कैंपस में जाएंगे और रिव्यू करेंगे, फिर आपको सारी डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे। ये बेसिकली कैंपस है डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज की, आप बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं। एक बार पूरी कैंपस रिव्यू हम लोग करेंगे, देन फिर आपको पूरे डिटेल में हम आपको बताएंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम से, मैं और मेरी टीम अभी है महाराष्ट्र में और हम महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज की रिव्यू कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज की रिव्यू में आज हैं हम जलगांव में, और जलगांव में हम जिस कॉलेज की रिव्यू कर रहे हैं वो है डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये आपको नागपुर हाईवे पे पड़ता है, जलगांव टू नागपुर हाईवे पे। आसपास की जो मेजर सिटी है उसमें आपको नासिक और औरंगाबाद सिटी पड़ता है। और इसके अलावा मैं कॉलेज की बात करूँ, कॉलेज 2008 में इस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा यहाँ पे जो MBBS की इंटेक है वो 200 सीटों की MBBS की इंटेक है यहाँ पे। इसके अलावा जो है यहाँ पे PG फैसिलिटी है, जिसमें आपको 18 डिपार्टमेंट्स में 45 सीटें PG की यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर कॉलेज की एजुकेशन की बात करें, तो अगर हमने स्टूडेंट से बात करी तो एजुकेशन से सेटिस्फाइड हैं, उनको उन्होंने बताया कि एजुकेशन अच्छी है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में 500 बेडेड का टीचिंग हॉस्पिटल है, इसके अलावा 60 बेड का ICU भी है यहाँ पे। हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो बहुत नंबर्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन डिसेंट नंबर यहाँ हॉस्पिटल्स में आपको पेशेंट फ्लो, हम लोग वार्ड वाइज भी हमने जो है विजिट किया, आपको लगभग अबव 60% की ऑक्यूपेंसी हॉस्पिटल्स में भी आपको देखने को मिली। इसके अलावा जहाँ तक हॉस्टल फूड की बात है, हॉस्टल फूड में आपको 4 शेयरिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ का रूम है, जिसमें 4 शेयरिंग का बेड है। इसके अलावा मेस अवेलेबल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग, ग्राउंड फ्लोर पे बॉयज़ का मेस है और आपको फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स का मेस है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें एडमिशन्स की, तो यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के कॉलेजेस हैं उनमें से सबसे लोअर साइड में फ़ीस यहाँ की है, जिसके कारण एडमिशन्स जिनका बजट कम है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ एडमिशन पे। इसके अलावा जो कैटेगरी क्राइटेरिया है उसमें फ़ीस और कम है, जैसे OBC वगैरह में, SC ST में तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ फ़ीस नहीं है, आपको केवल हॉस्टल फूड और अदर चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स की बताऊँ, तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, सो कॉलेज अच्छा है। आसपास अगर मैं बताऊँ तो 2008 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुई है, उसके 10 साल बाद मतलब 2018 में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज इस्टेब्लिश हुई है। तो आसपास 100-150 की लोकेलिटी में ये पहला मेडिकल कॉलेज था जो यहाँ पे बना है, और पेशेंट फ्लो उस हिसाब से बढ़िया है। अगर मैं बात करूं इसके इंफ्रा की, तो आपको थोड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंफ्रा आपको लगेगा उस तरह है, जो है रिकंस्ट्रक्शन चल रही है रोड वगैरह की पूरी। और इसके अलावा जहां तक हमारी फीडबैक है कि इस कॉलेज को मेंटेनेंस की ज़रूरत है, थोड़ा और मेंटेन हो तो और बेहतर है। ये थी आपको डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज की रिव्यू। फीडबैक ये है कि आपका बजट कम है
और आप एक डिसेंट कॉलेज चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ओवरऑल सब चीज़ बढ़िया है यहाँ पे, कनेक्टिविटी की भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है तो यहाँ पे महाराष्ट्र के ही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो केवल आपको NRI कोटा और आपको जो है इंस्टीट्यूशनल कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको कॉलेज का थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कॉलेज कहाँ कहाँ है। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, एकेडमिक बिल्डिंग है। इसके अलावा अगर जो आप देखेंगे तो इधर हॉस्टल है आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का, और आप अगर इधर देखेंगे तो ये पूरा हॉस्पिटल इधर है पूरा, तो ये हॉस्पिटल्स आपको चारों तरफ इधर का दिख रहा है। तो ये बेसिकली ये कैंपस का स्ट्रक्चर है ये। सो ओवरऑल अच्छा है, आप अगर बजट कम है और क्योंकि अदर कॉलेजों में बजट थोड़ा इससे हाई है तो आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। ओवरऑल सब चीज़ यहाँ कॉलेज में बढ़िया है। सो साइन ऑफ करते हैं गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम से, मैं रोहन सिंह।